गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो हमने कल डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले मैं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। दोस्तों आज दिवाली है, आपके बुद्धि ज्ञान हर चीज़ ईश्वर की कृपा से आप सबका बढ़े और आप लोग ग्रोथ करें, यही हमारा तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कल हमने डेरिवेटिव निकालना सिखाया था, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और लंबा लेक्चर होने के कारण जो है मैं पूरा नहीं बता पाया था, तो आज मैं आपको यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का, इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो मैं जानता हूँ, मैंने कल आपको बताया था, इससे पहले आप अगर लेक्चर नहीं देखें तो उसको पहले देखें फिर यहाँ पे आप देखिएगा। तो फंक्शन दिया एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, जब इसको देखिए ऑलरेडी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता तो हम यहाँ पे क्या मान लिए कि एच जो है लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे जीरो दिखाऊंगा, आगे शो करूंगा। तो फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, ये हमने इस रूप में लिख दिया। आपको मैंने बताया था कि कोई फंक्शन दिया है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पे एफ एक्स होता है, वाई के स्थान पे क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है वाई इज इक्वल टू, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग लिमिट एच टू जीरो, ठीक है। जो फार्मूला उसको मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है, जो फार्मूला यहाँ पे हमने उसको रखा, तो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, लिमिट एच टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बटे एच, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू जो है यहाँ पे हमने रखा, और कॉस एक्स का जो एफ एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि एक फार्मूला है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो फार्मूला यहाँ पे रखेंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। देखिए sin c माइनस sin d बराबर, सॉरी sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सॉरी सी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। मैं अभी याद करना भी अभी आपको मैं सिखा दूंगा कैसे ये इसको याद करते हैं, इसको हमेशा आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी मेरे को लिखना है, साइन साइन लिखा रहा बार बार, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी अगर इसमें है कॉस में वैल्यू है तो ये टोटल जो है कॉस में आएगा, तो टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, ठीक है। इसी तरह आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू। देखिए इस केसेज में एक और इसका बनता है, इसी का एक और बनता है माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले मैं याद करने तरीका मैं बता दूँ आपको कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। अगर ये प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन सी प्लस साइन डी प्लस में अगर दे रहा है तो साइन से स्टार्ट होगा, साइन से स्टार्ट होगा और कॉस से एंडिंग होगा, तो टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसमें, इनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है याद करने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि साइन सी प्लस साइन डी अगर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में है तो साइन से स्टार्ट होगा, कॉस से एंड होगा, कॉस से एंड होगा। इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी दिया हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी दिया हुआ है तो माइनस के केसेज में क्या होगा, पहले कॉस आ जाएगा,
तो 2 cos c plus dy 2 into sin c minus dy 2, ठीक है, याद हो गया। sin c minus sin d का क्या होगा, sin c minus sin d क्या होगा, 2 cos c plus dy 2 into cos c sin c minus dy 2, ठीक है। cos c plus cos d क्या बात करते हैं, तो cos c plus cos d में अगर plus के साथ होगा cos तो पूरा total cos में होगा, और cos c minus cos d अगर minus के साथ होगा तो पूरा sin होगा। ये चीज़ तो हो गया कि अगर cos plus के साथ होगा तो cos में वैल्यू देगा, तो 2 cos c plus dy 2 into cos c minus dy 2, ठीक है। cos c minus cos d की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक ऐसा ही है ये फंक्शन कि cos c minus cos d होगा, माइनस के साथ होगा तो sin के साथ होगा, तो 2 sin c plus dy 2 into sin d minus c by 2, इसमें क्या होता है कि d माइनस सी बाई टू होता है। आपने क्या पढ़ा, c माइनस डी बाई टू पढ़ा, आप सभी में क्या पढ़े हैं, c माइनस डी बाई टू, लेकिन यहां पे क्या पढ़े हैं, आप d माइनस सी बाई टू पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या किए, इस फार्मूलों को इस रूप में लाने के लिए हमने क्या किया कि माइनस को हमने पहले इधर ले आया, माइनस को हमने आगे किया, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। मैं समझता हूं कि आपको याद हो गया, ठीक है। इसी फार्मूले पर देखिए cos c माइनस cos d की बात करता हूं तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। बाकी मैं सभी को यहां पे साफ करता हूं, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम बात करेंगे, देखिए अगर मैं इस फार्मूले में रखना चाहूंगा इसको, तो लिमिट h टू जीरो cos c माइनस cos d का फार्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू का स्थान पे क्या है, यहाँ पे है x प्लस एच, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड टू इंटू, देखिए यहाँ पे क्या d माइनस सी है, तो d वाला पहले ये लेंगे, ये है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस एक्स प्लस एच वाई टू, क्या है कि d पहले आएगा तो d के स्थान पर cos x है, तो पहले cos x के स्थान पर x लेंगे, तो x माइनस, ठीक है, x माइनस c, c के स्थान पर क्या है, ये c है, ये आपका d है, ठीक है, तो c के स्थान पर x प्लस h बाई टू आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे है आपका h, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट h टू जीरो, देखिए इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में लिमिट भी होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो लिमिट भी होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, टू साइन, देखिए यहां पे क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स और प्लस एच बाई टू इंटू साइन, इससे देखिए ये जाएगा एक्स माइनस एक्स और प्लस एच आएगा, ठीक, सॉरी माइनस एच आएगा, क्या आएगा, माइनस एच आएगा, तो ये और ये कटेगा आपस में, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा, इसको मैं साफ करता हूं, ठीक है, ये फार्मूला आपको हटाता हूं, देखिए तो लिमिट एस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए साइन टू एक्स प्लस एच वाई टू इंटू लिमिट एस टू जीरो साइन माइनस एच बाई टू, और देखिए डिवाइड में एच था, यहां पे मैंने लिखना भूल गया था, यहां पे h था, अब यहां पे डिवाइड में h होगा, तो h को मैं यहां पे लिखूंगा, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है यहां पे आता है, इस 2 का मैं क्या इस रूप में लिख सकता हूं ना, नीचे मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, ऐसा मैं इसलिए किया है ताकि मैं इसको एक फार्मूला बना सकूं, इस रूप में हमने बना दिया। ये माइनस को आप जो है यहां से निकाल करके इसको यहां पर लगा दीजिए, ठीक है, माइनस को हमने आगे ले गया। अब देखिए आपको आपको हमने कल एक फार्मूला बताया था कि लिमिट एस टू जीरो या एक्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो इस केसेज में यहां पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर तो 1 हो जाएगा, यहां पर मिलेगा माइनस लिमिट एस टू जीरो साइन टू एक्स और प्लस एच बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा h का वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिमिट रख दिए, h बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2, तो इससे ये गया, इससे ये गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन x आ जाएगा। तो आपको बताया गया था कि डी डी एक्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस
साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, ये आपको हमने फार्मूला बताया था, हमने यहाँ पे डिराइव करना सिखा दिया। तो इस रूप में इसको हम निकाल सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स दिया हुआ है, इसको मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है, आकलन करना है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। ऑलरेडी मैं सुविधा के लिए, टाइम बचत के लिए, हमने टाइम बचाने के कारण हमने क्वेश्चन को उतार दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और सेम जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे मेथड पर चलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस एच, ठीक है। तो आपको निकालना है किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स टेन एक्स का निकालना है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर रख दिया, लिमिट एच टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स बटे एच, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको लगाने से पहले एक फार्मूला आपको याद करा दूं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, देखिए प्लस में होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। माइनस के केसेस में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बस प्लस और माइनस का खेल है, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस लगेगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस के साथ चलेगा कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है। अगर प्लस के साथ कॉस रहेगा, प्लस के साथ कॉस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर माइनस के साथ रहेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इसी तरह कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। एक से और फार्मूला होता है, देखिए इसको मैं तोड़ूंगा, टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसी फार्मूले पर मैंने इसको तोड़ूंगा, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करूंगा, देखिए इस फार्मूला को मैं मिटकाता हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा और साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है, इसी फार्मूला पर हम तोड़ेंगे इसको। जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट एच टू जीरो टेन को साइन एक्स प्लस एच बटे कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और डिवाइड में यहाँ क्या था, एच था, ठीक है। फिर देखिए लिमिट एच टू जीरो, इसका देखिए एलसीएम निकालेंगे तो इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस के साथ है साइन एक्स इंटू साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यह एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला हो गया। देखिए लिमिट एच टू जीरो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी, या अगर माइनस के साथ माइनस की किस्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, अगर माइनस होगा तो माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस दिख रहा है, तो माइनस के केसेज में लिया होगा ये, तो यहाँ पर जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस ए, इसी फार्मूला पे इसको हम यहाँ पे इस पे मैं रखता हूँ। तो देखिए तो लिमिट एच टू जीरो साइन, देखिए ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ए माइनस बी
ठीक है, ये फार्मूला जो देख रहे हैं यहाँ से, ये a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। और नीचे क्या आपको मिल रहा है, नीचे आपको मिल रहा है h इंटू कॉस एक्स प्लस h इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि h जो है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू को फिक्स करेंगे, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टू जीरो, देखिए ये दिख रहा है साइन h, ठीक है, साइन h, और ये जो h है ये वाला, इसको यहाँ पर बैठा देंगे और यहाँ पर जाएगा लिमिट एच टू जीरो वन बाई कॉस एक्स प्लस h इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आपका वन बना लेगा, पता है ना, लिमिट एच टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एच बाई एच है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, बाकी ये बचेगा हमारा। तो लिमिट एच टू जीरो है, यहाँ पे एच बराबर लिमिट रख देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वन बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब ये जब आपको पता होगा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस एक्स बराबर वन बाई सेक एक्स, ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका sec x बराबर वन बाई कॉस एक्स, देख रहे हैं ना, तो ये जब ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, sec स्क्वायर x बनाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आप इस टाइप के मेथड को लगा लेंगे। हमने बताया था आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने टेन एक्स का कराया था, यहाँ पे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला पता होगा आपको कि कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है, कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉट के स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स बटे साइन एक्स रखेंगे। तो इसी तरह आप इसको तोड़ के बनाएंगे जैसे हमने किया था। अब क्या था, टेन के हमने बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स को आपने क्या तोड़ा था, साइन एक्स बटे कॉस एक्स किया था, ठीक है। तो उसको तोड़ने के बाद हमने क्या किया था, दोनों के एलसीएम ले लिया था, ऊपर से नीचे गया था, तो ये साइन ए माइनस बी मर रहा था। इसी केसेज में यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपका कॉस, देखिए यहाँ पे आएगा कॉस, कॉस और साइन आएगा, इसी तरह कॉस और साइन आएगा, ठीक है। तो कॉस, ये कॉस कॉस जाएगा, ये कॉस साइन साइन जाएगा ना, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, और नीचे क्या मिलेगा, साइन इंटू, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन इंटू साइन बी, ठीक है। तो इस केसेज में क्या होगा, यहाँ पे कॉट एस कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का आपने निकाला था, वहाँ पे क्या निकल रहा था, टेन एक्स का निकल रहा था डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स निकल रहा था, लेकिन कॉट एक्स का यहाँ पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप ना, तो कॉस एक्स आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक लिमिट एस टू जीरो कॉस एक्स बराबर क्या होगा, वन मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको लगाइएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया, आप लगा लेंगे, ठीक है। और जिसको अगर नहीं बनता है तो आपको पर्सनल नंबर मेरे को दिया हुआ है, वहाँ पे आप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, इस पर भी हम एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स दिया हुआ है, तो सेक एक्स को आप क्या करेंगे, आपको बताया था अभी इस क्वेश्चन में कि सेक एक्स बराबर क्या होता है, वन बाई कॉस होता है, क्या होता है, वन बाई कॉस एक्स होता है। तो इसी तरह कॉस एक्स बराबर वन बाई, देखिए इसको इस रूप में हम तोड़ देंगे, sec x को 1 बटे cos x के रूप में हम इसे तोड़ देंगे यहाँ पे, तो इस रूप में मिलेगा। तो इसी तरह a माइनस बी cos a cos b का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, cos a cos b का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है सिक्स नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हिंट ही बहुत है, आप लगा लेंगे, मेरे को भरोसा है आप पर, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन को बात करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपका हिंट है, आपको हिंट है कोसेक एक्स बराबर वन बटे साइन एक्स होता है, क्या होता है, वन बटे साइन एक्स होता है।
मैं थोड़ा सा इसको ना रखता हूँ, देखिए आप समझिएगा, जैसा ये होगा sec x को 1 बटे cos रखेंगे, यहाँ पे cos x को 1 बटे sin रखेंगे। तो इसको मैं पूरा ना करके मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ ताकि आप इसको लगा लें, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, dd x ऑफ cosec x बराबर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड एच लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट एच टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक एक्स प्लस एच और माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे एच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जो है 1 बटे साइन एक्स के रूप में चेंज करेंगे, क्या करेंगे इसको 1 बटे साइन एक्स के रूप में चेंज करेंगे, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बटे साइन एक्स डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे आप लिमिट भी लिखेंगे, लिमिट एच टू 0, यहाँ पे क्या आएगा आपका लिमिट एच टू 0, इसका एलसीएम इसमें लेंगे, यहाँ पे आएगा साइन एक्स, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस एच आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये मिल जाएगा। पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, साइन ए माइनस साइन बी का मतलब साइन सी माइनस साइन डी का, साइन ए माइनस साइन बी या साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म से आप तोड़ देंगे, तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ इस केसेस में क्या होगा, साइन टू कॉस सी प्लस डी वाई टू और साइन सी माइनस डी वाई टू, तो आपस में एक कटेंगे, कॉस कॉस कर देंगे, माइनस एस निकलेगा, माइनस एस निकलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा h बाई टू, तो यहाँ पे h बाई टू आएगा, यहाँ पे भी क्या है ये जो आपका h है यहाँ पे जो दो आएगा, ठीक है, यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन के फार्मूला से लिमिट एच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स अगर लिखा तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वन पुट करेंगे और इसी तरह वैल्यू इसको फाइंड कर लेंगे, इसको खुद से लगाइएगा, ठीक है। हम बता दिए आपको, सॉल्व करा दिए हैं, आप थोड़ा सा हिंट आपको दे दें, इसको आप जो है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला से ये फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर सी प्लस डी है यहाँ पर एक्स प्लस एच बाई टू आएगा इंटू साइन, ठीक है, इंटू साइन, यहाँ पर क्या जाएगा साइन एक्स, देखिए ये क्या सी माइनस डी, तो सी ये होगा तो एक्स माइनस एक्स प्लस एच, तो ये माइनस और माइनस कटेगा तो माइनस एच आएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस एच आएगा, ठीक है, माइनस एच आएगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, देखिए अब तो कोसेक एक्स का क्या आता है, कोसेक एक्स का यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस कोसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया आपको, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं फिलहाल खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको फिलहाल मैं यहीं पर ब्रेक करता हूँ, आप लगा लेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि शायद आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने बोला खुद से कीजिएगा, इसको भी खुद से करेंगे, इसको भी तो बोलेंगे कि बोरिंग लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं पुनः करा दे रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे लिमिट एच टू 0, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, ऐसा हमने इसको रख दिया, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ आपको, एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इस रूप में लिखा था, ध्यान दीजिएगा ये जो अंदर जाएगा माइनस के साथ माइनस साइन माइनस एक्स और माइनस एच हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा और माइनस एच मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा हमने बताया था आपको, यहाँ आप लिखेंगे टू कॉस
देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एच दिया, तो टू एक्स अ प्लस एच डिवाइड टू इंटू साइन माइनस एच बाई टू, ठीक है। नीचे क्या रहा था आपका, आपका नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एच है ये वाला, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ये टू को मैं यहाँ पे हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला को हम बनाने के लिए हैं। और नीचे क्या आ रहा था आपका, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, यहाँ पे लिमिट लिख दीजिए, लिमिट एच टू जीरो। अब क्या है मल्टीप्लाई में, तो लिमिट को भी लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो लिमिट एच टू जीरो कॉस टू एक्स और प्लस एच बाई टू साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट एच टू जीरो साइन एच बाई टू और ये एच बाई टू, ये जो माइनस था इसको हम आगे ले आते हैं, ठीक है, इसको हम आगे ले आते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये तो वैल्यू आपका वन बना लेगा कि लिमिट एच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इजिकल टू कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एच टू जीरो कॉस टू एक्स और प्लस एच बाई टू और यहाँ पे क्या करेंगे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, जहाँ पे एच होगा वहाँ पे लिमिट का वैल्यू रख देंगे, तो जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका कॉस टू एक्स और प्लस जीरो बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन एक्स प्लस जीरो इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका इसी ये गया, यहाँ पे निकलेगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स और यहाँ पे मिलेगा वन बटे साइन एक्स। तो देखिए ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ध्यान देगा ये माइनस भी है यहाँ पे माइनस दिखेंगे आप, तो माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इन टू वन बटे साइन एक्स, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा इसको उतार लें, आप इसको उतारिएगा माइनस कॉट एक्स इन टू, देखिए वन बाई साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, तो इसको लिख देंगे आप कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। आप जो है खुद से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश किए, आप एक बार आप मैं बता दिया हूँ इसी क्वेश्चन को आप जो है ना ईमानदारी से करेंगे सॉल्व, ठीक है, एक बार तो हमने बता दिया, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तब आपको समझ आया कि हाँ आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम दोस्तों, हमने आपको ड्राइव करना सिखाया कैसे फार्मूला, वैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे टोटल हमने फार्मूला एक जगह लिख दिया है, एक बार मैं फिर फार्मूला को रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप एक बार वीडियो देखें ताकि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, मैं बार बार इसलिए यहीं पर आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने दिया था कि डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव निकालते ई के पावर एक्स होता है, तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ x के पावर n का आपको बताया था हमने कि n x के पावर n माइनस वन होता है, n x के पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। तीसरे में आते हैं डी डी एक्स ऑफ a के पावर x दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर a के पावर x है, तो इसके मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो a के पावर x इंटू log a आएगा, a के पावर x इंटू लॉग ए आएगा, ध्यान दीजिएगा a के पावर x इंटू लॉग ए आएगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ साइन x की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos x आएगा, क्या आएगा cos x आएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x का क्या निकलेगा cos x आएगा। नेक्स्ट में जब बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ cos x की जब मैं बात करूंगी यहाँ पे तो क्या निकलेगा माइनस साइन x आएगा, क्या आएगा माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है।
डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स की जब मैं बात करूंगा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स में बात करूंगा तो क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स निकलेगा। और सेवन नंबर पे आते हैं, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स के बराबर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो क्या निकलेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के जब मैं बात करूंगा तो एट नंबर पर ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जस्ट अपोजिट है, इसका टेन एक्स क्या हो रहा था, सेक स्क्वायर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, डी डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स निकाले। यहाँ पर देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, टेन का कॉट हो जा रहा है और सेक का कोसेक हो जा रहा है। ठीक है, सेक का कोसेक हो जा रहा है, माइनस के साथ आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये हो सकता है मेरे हिसाब से आपको फार्मूला याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट फार्मूला पर बात करते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला और था, टेन नंबर, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का मैं बात करूँगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का तो ये क्या आता है, इसका आता है वन बटे एक्स आता है, वन बाई एक्स आता है। क्या आता है, वन बाई एक्स आएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर पे समझिए क्वेश्चन, फार्मूला 11 नंबर पे ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट दिए हों, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं u और v मान लेते हैं, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू u इंटू v है, तो इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू, अभी मैं याद करना भी बताता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए सेम फंडा है ये, फर्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ था इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तब के लिए केसेस हैं, तो इसको क्या मैं लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब सेकेंड का डिफरेंशिएट, इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएट को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, मान लेते कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ मान लेते हैं एफ वन और एफ टू, हम इसी के समझाने के लिए हमने एफ वन और एफ टू लिख रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ F1 into F2, दो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मैं क्या काम करूंगा, F1 into F2 का डैश, F2 का डैश लिख रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसका डेरिवेटिव निकाल रहा है, फंक्शन F2 का क्या कर रहा है, डेरिवेटिव निकाल रहा है, प्लस F2 into F1 का डेरिवेटिव, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। इसको कैसे याद करें, दो प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट और ये सेकेंड है, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। ये आता है डिवाइड में डेरिवेटिव अगर निकालने के लिए आएगा, यू बाई वी मैथड से आएगा, यू बाई वी मैथड से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ठीक है, तो इस केसेज में मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ यन बाई डी, यन क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर है और डी क्या है आपका डेनोमिनेटर रहेगा, आप शॉर्ट में समझिएगा, यन बाई डी है ना, यन बाई डी यू बाई भी, यन बाई डी यू बाई भी, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये आपका डेनोमिनेटर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो ये भी लिख सकता हूँ कि क्या होता है, अंश बटे हर। इसका देखिए, अब इसको मैं दोनों मेथड समझा रहा हूँ आपको, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। देखिए डी डी ऑफ डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एन बाई डी का सॉरी डी डी एक्स ऑफ एन बाई डी के मेथड से मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, डी डी आपका
डिनोमिनेटर है और एन आपका न्यूमरेटर है, तो डी इंटू एन का डिफ्रेंशिएट माइनस एन इंटू डी का डिफ्रेंशिएट डिवाइड डी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यू बाई वी मेथड से कि हर गुड़े अंश का औकलन माइनस अंश गुड़े हर का औकलन बटे हर का स्क्वायर। इसको यहां से समझिएगा सॉरी ये जो आपका वी दिया हुआ है ये आपका डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो आपका भी है ये आपका डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो डेनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट और माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डी का स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, और इसको जो है आप याद करके ही आप डायरेक्ट वहाँ पे बढ़िएगा, क्वेश्चन लगाने बैठिएगा। तब तक जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को लगाने मत बैठिएगा। आप पहले फार्मूला की याद कीजिएगा, उसके बाद जो जितने हमने फार्मूला आपको बताया है शुरू से लेकर अंत तक, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, और अभी मैंने जितनी भी फार्मूला आपको बताया उसको याद करने के बाद आप जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन का हमने पूरा दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, आगे देखिए क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन पे हम चलेंगे, हम आपको यू भी मेथड से हम यहाँ पे क्वेश्चन चार क्वेश्चन हम लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ समझाते चलूँगा, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और आप ये सोचिएगा कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको क्लास फेस टू फेस ले रहा हूँ, तब आपको पढ़ने मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन दिया हुआ, दो प्रोडक्ट दिया हुआ, फर्स्ट और सेकेंड दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड दिया हुआ है, एक चीज अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ सी बराबर सी क्या कॉन्स्टेंट, इसका जो डिफ्रेंशिएट निकालने क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो में क्या आ सकता है, देखिए कांस्टेंट में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एक दो तीन चार मतलब कोई दिया होगा उसके मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे ये कांस्टेंट है यहाँ पे दो है, यहाँ पे पाँच है, ये अकेला बचा हुआ है जिसके साथ कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, इस केसेज में क्या होंगे, ये जीरो हो जाएंगे ना। ध्यान दीजिएगा इस केसेज में हम बात करते हैं, तो अगर कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो जीरो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकेंड प्रोडक्ट दो दिए, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर चलूंगा, मान लेते ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, ये क्या है आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो वाई बराबर सेवन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या x है, तो मेरे को किसके हिसाब से, मेरे को किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट मेरे को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये जो बताता है ये बताते हैं आपका x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डी डी एक्स ऑफ, ठीक है ये पूरा लिखेंगे यहाँ पे सेवन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। देखिए सेवन जो है आपका कांस्टेंट है, इसको आप पहले बाहर कर लीजिए, ठीक है तो इसको जो है आप पहले बाहर कर लीजिए, जब बाहर करेंगे ये तो ये क्या आएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं सेवन इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो सेवन को आपने बाहर कर लिया, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस, देखिए जगह ना होने के कारण यहां पे मैं लिखता हूं प्लस, ये क्या होगा ब्रैकेट में लगा दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है आगे हो जाएगा, और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, फिर यहां पे क्या आएगा सेवन इंटू, देखिए ये करेंगे तो कॉस एक्स ज्यू का त्यू उतारेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब किसका रेस्पेक्ट कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहां पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, देखिए इसमें देखा है तो साइन एक्स फंक्शन है और एक्स भी अंदर में एक फंक्शन है, साइन एक्स और एक्स दो फंक्शन इसके अंदर में, साइन एक्स का और एक्स का दो फंक्शन, तो ध्यान दीजिएगा
तो साइन x का हमने आपको बताया था क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कॉस x होता है, क्या होता है कॉस x होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने साइन x तो किया लेकिन अंदर में क्या है, ये x भी है, ये क्या है x भी हमारा एक फंक्शन है। तो अब करेंगे डी डी एक्स, तो ऑलरेडी था x का डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो ये क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलिए ये समझाने के तौर पर मैं लिखा हूँ यहाँ पे 1 डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स के जब मैं करूँगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इसका कितना आएगा 1 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 ना लिखकर मैं इसको देखिए समझने के लिए 1 हमें लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, तो कोई मतलब नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। अब सुनिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस, ध्यान देगा ये साइन है, ठीक है। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का निकालते हैं तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा सेवन कॉस एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर हो जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, ठीक है। तो साइन और साइन यहाँ पे मिल रहा था तो साइन दो को साइन हो जाता, तो पावर में यहाँ पे क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब ध्यान देगा यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, आपको पढ़ाया गया होगा कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। जब आ गया कॉस टू एक्स आ गया तो इसका मैं टोटल फार्मूला लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। इसके बाद टू एक और फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक और फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक और फार्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये कॉस टू एक्स बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखिए ये चार फार्मूला होते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये फार्मूला जब आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर दे थोड़ा सा। देखिए कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये क्या है फार्मूला है कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है एक फार्मूला और टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और देन कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस फार्मूला पर ना चर्चा करके अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप समझिएगा यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस वन लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस बनाएगा, तो cos 2x प्लस वन बराबर 2 cos स्क्वायर x, x तो ये मेरे को मिला, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसी तरह यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां पे क्या निकलेगा कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे अगर जब मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या निकलेगा cos 2x, ठीक है। देखिएगा ये जो माइनस है इधर आएगा और ये जो है इधर जाएगा, तो इस केसेज में मैं क्या करूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, वन माइनस कॉस टू एक्स। तो इसको सुविधा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इस केसेज में अगर कॉस टू एक्स प्लस वन बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक से और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ऐसा ही पूछता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जगह ना होने के कारण नीचे ना दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, अभी मैं साफ़ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये लिखा है cos x और प्लस वन लिखा है, ठीक है, या वन प्लस cos x ऐसा भी लिख सकता है। तो इस केसेज में देखिए ये चीज़ है, यही वाला है, लेकिन यहाँ पर जो टू था यहाँ पर सिर्फ x है, तो ये क्या होगा कि टू एक्स जो है ये थीटा है, ये टू जो है थीटा के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर जब हम टू हटाए हैं यहाँ पे, ये जो टू एक्स था ये जब टू हटाएंगे तो ये थीटा में ही टू आएगा,
ध्यान दीजिएगा, ये क्या आएगा, थीटा में ही 2 आएगा, तो एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये थीटा से हटेगा तो थीटा में जाएगा, थीटा से 2 हटेगा तो ये थीटा में जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 2 है, ये अगर ये थीटा 1 माइनस कॉस 2 एक्स के स्थान पे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। थीटा अगर एक्स होगा तो वहाँ पे x के रेस्पेक्ट में जो थीटा 2x होगा, 2 हट के वहाँ पे थीटा में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप आए यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह सीख के जाएं यहाँ से और आपका टाइम भी ना बर्बाद हो, इसलिए मैं पूरी चीज़ बताते चल रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपका यहाँ पे बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक हम ले चलेंगे यहाँ पे, जो भी आईआईटी और जो जेईई मेंस का तैयारी करें वहाँ यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ आपको माध्यम से आपको तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब है, इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर मैं क्या रखूँगा यहाँ पर, सेवन कॉस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सेवन कॉस एक्स इंटू साइन एस का जब मैं निकालूंगा यहाँ पे तो क्या निकलेगा, सेवन इंटू कॉस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू 10x, देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा। आप फर्स्ट सेकेंड इसको चाहे इसको जो भी आपको मानना मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इनटू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें सॉल्व करो, ऊपर में लॉग एक्स तो ज्यों का त्यों उतारेंगे, इसका जब मैं टेन एक्स का मैं आपको बताया था, इसका टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का जो अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब प्लस टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जब बात करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाई एक्स, और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये आपका दूसरा का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया आपका डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस टू, फर्स्ट इसको मान लीजिए और सेकेंड इसको मान लीजिए आप, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और इंटू सॉरी प्लस लॉग एक्स प्लस टू इंटू डी डी एक्स ऑफ ई के पावर में एक्स, ठीक है। ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों उतरेगा, लॉग एक्स का क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, वन बाई एक्स होता है, क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। तो वन बाई एक्स का स्थान पर एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, वन बाई एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन जो होता है वन बटे एक्स होता है, या फिर डेरिवेटिव बोल लीजिए इसको, वन बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स का स्थान पर एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो एक तो फंक्शन आपका लॉग एक्स का ये पूरा आएगा फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या दिया, अंदर में भी दिया है, तो ये पूरा फंक्शन लेंगे, ठीक है, ये पूरा फंक्शन लेंगे। तो पूरा फंक्शन निकालने के लिए क्या लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू, एक स्टेप और ले जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, एक तो फंक्शन ये था और एक फंक्शन ये था, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ था और इसका एक फंक्शन ये था। तो सबसे पहले हमने इसको एक फंक्शन को सॉल्व किया, तो क्या है, वन बाई एक्स, एक्स का स्थान एक्स प्लस टू दिया हुआ है, और इसका एक निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू प्लस
लॉग एक्स ज्यूम का त्यू निकालेंगे, एक्स प्लस टू जो दिया है उसको ज्यूम का त्यू उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन टू डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर में एक्स ही होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप समझिए, ई के पावर एक्स इन टू एक्स वन बाई एक्स प्लस टू इन टू, देखिए इसका जब आप सॉल्व करोगे अंदर में तो अंदर में क्या जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ टू आएगा। ध्यान दीजिएगा ये इन टू में है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इन टू में है। आपको समझाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं एक्स प्लस टू इन टू ई के पावर में एक्स, ठीक है। देखिए डी डी एक्स ये इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आ जाएगा, और ये क्या देगा, जीरो देगा, वन प्लस जीरो, ठीक है, तो वन ही आएगा। तो यहाँ पर क्या देगा, ई के पावर एक्स, एक्स प्लस टू इंटू वन, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस टू इंटू ई के पावर में एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करें, देखिए ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिलेगा वन बाई एक्स प्लस टू और प्लस लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है। जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस टू इंटू लॉग एक्स प्लस टू, डिवाइड में हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू। आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, एक स्टेप को अब हमने बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, आप भी कर सकते हैं। तो दूसरा भी आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार के देखिए ध्यान दिए, ऊपर में डी डी एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स का स्थान पर क्या दिया है, ई के पावर में सेवन एक्स इन टू टेन टू एक्स और प्लस फाइव, ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इसको आप मान लीजिए और सेकेंड जो है आपको इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके बाद यहाँ से करेंगे, देखिए ई के पावर सेवन एक्स इसको जीम का क्यों उतार देंगे, अंदर फंक्शन ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या बताया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफ्रेंशिएट, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा एक तो फंक्शन आपका ये है और दूसरा फंक्शन आपका ये है, ठीक है। तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का स्थान पर क्या है यहाँ पर दोस्तों, टू एक्स और प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है, इन टू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू एक्स और प्लस फाइव। इसका क्या नहीं, क्योंकि आपने टेन एक्स का फंक्शन निकाला, ये टू एक्स प्लस फाइव दिया, इसका भी एक फंक्शन दिया है, ठीक है। Please subscribe to my channel and don't forget to click on bell icon button to get notification for new updates. के स्थान पर टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, इन टू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इन टू जब इसका जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, e के पावर में x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए एक तो फंक्शन आपका ये है और दूसरा फंक्शन आपका ये है, तो e के पावर देखिए इसका जब डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, e के पावर में सेवन एक्स इन टू, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो इसका निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ सेवन एक्स। एक स्टेप और ले जाते हैं, e के पावर सेवन एक्स इन टू सेक स्क्वायर एक्स टू एक्स प्लस फाइव, देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये टू तो कॉमन है, टू कॉन्स्टेंट है, तो टू आगे आएगा, ठीक है, टू आगे आएगा, अंदर क्या आएगा यहाँ पे, इसका वन दे देगा, इसका क्या देगा, डी डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये ध्यान देगा ऐसे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ प्लस ये क्या देगा, डी डी एक्स ऑफ फाइव। आपको पूरा देख बता रहे हैं क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है, ये जीरो बना लेगा, ये इतना जो है वन बना लेगा, ठीक है, ठीक है, प्लस सेक सॉरी प्लस टेन टू एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे क्या आएगा, ई के पावर में सेवन एक्स
और 7x का जब निकालेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 7 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x की जब बात करें तो इसका भी वैल्यू क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, क्या बनाएगा 1 बनाएगा, इसका भी वैल्यू क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लास्ट फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा e के पावर में 7x sec स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस देखिए ये जीरो बना लेगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 2x और प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगा e के पावर में 7x, देखिए ये वैल्यू 1 बना लेगा तो जो 7 होगा आगे आ जाएगा, तो 7 जो है यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, 7 जो है यहाँ पर था लेकिन हमने मल्टीप्लाई में है तो इसको जो हमने आगे कर लिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 7 जो है मल्टीप्लाई में था इसलिए 7 को मैं यहाँ पर कर लिया। इसको थोड़ा सा और खूबसूरती ले आइए, मैं इसको क्या किया था, मैं इसका डेरिवेटिव निकाला था, इसको जो है यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है, इस रूप में, तो डी डी एक्स फंक्शन ये दिया हुआ है तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा e के पावर में 7x, ये जो 2 था इसको आगे आप ले आइए तो यहाँ आएगा 2 e के पावर 7x sec स्क्वायर x के स्थान पे क्या यहाँ पे है 2x ऑफ प्लस 5 दिया हुआ है, क्या दिया है 2x ऑफ प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 7 10 2x और प्लस 5 इंटू ई के पावर में 7x। देखिए e के पावर 7x को आप कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, चलिए मैं काम करता हूँ बाहर इसको कर देता हूँ, तो एक काम करता हूँ 2 तो यहाँ आएगा e के पावर में 7x, यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी e के पावर 7x हट जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो e के पावर 7x इंटू ब्रैकेट के अंदर में होगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस 7 10 एक्स के स्थान पर 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो कि आप घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा, हम एक ही फार्मूला पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन देते हैं हम जिसको आप घर पे इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इसका अगर आंसर नहीं आता है तो आप कॉमेंट में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, आप प्रॉपर उसमें कॉमेंट में लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं उसको जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको जो है लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ से, आप इतना अगर लगा लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक फार्मूला पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा और कई मैं आपको क्वेश्चन जो है एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर होता चले और आपको मैथ जो है आपको इजी लगे। देखिए हमने क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको हिंट भी देता हूँ आपको लगाना कैसे है, आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, आपको निकालना है वाई डैश निकालना है, ध्यान दीजिएगा वाई डैश निकालना है मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपका, डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, इस ये इतना निकालना है, तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड बताया था इस मेथड पर हमने लगवाया क्वेश्चन, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, इससे लगा लोगे आप, ठीक है। ए के पावर एक्स का पता आपका डिफरेंशिएट क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, लॉग एक्स का आपको पता है तो एक्स स्थान पर एक्स प्लस टू है तो 1/x + 2 हो जाएगा। एक फंक्शन और ध्यान दीजिएगा, आप फंक्शन पहले चेक कीजिएगा, पहले फंक्शन तो एक ये होगा फिर उसके ऊपर एक्स भी फंक्शन है, दो फंक्शन यहाँ मिल रहा, एक फंक्शन ये मिल रहा, एक फंक्शन ये मिल रहा, दो फंक्शन मिल रहा है, पहले फंक्शन को पकड़िएगा कितना फंक्शन वहाँ पर दे रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर में देखिए e के पावर x ऑलरेडी एक फंक्शन है और x जो ऊपर बैठा हुआ है वही ए भी एक फंक्शन है, तो डी डी एक्स ऑफ x का फंक्शन जो डिफरेंशिएट निकाले उसका कितना होगा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में log x एक फंक्शन है और ये जो x बचेगा ये भी एक फंक्शन हमारा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, इस मेथड से निकालेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, अलग निकलेगा प्लस होगा, तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एक हो जाएगा। सेकेंड के केस में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, इससे लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन लिखा हूँ ताकि आप भ्रम करें और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ लेकिन मेरे को हिंट नहीं देना चाहिए था, आपको खुद से लगाना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको हिंट ना देकर मैं क्वेश्चन दूंगा और डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा
लॉग एक्स ना, इसको जो है लॉग फंक्शन में एक बार और बता दूंगा लॉग फंक्शन होता क्या है। देखिए लॉग एक्स ई टू द बेस, यहाँ पे लॉग ए ई टू द बेस, ये ध्यान दीजिएगा इस रूप में ये टूटेगा, ये जो डिवाइड में होगा, देखिए जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा उसी के रेस्पेक्ट में को डिफ्रेंशिएट करना है या फिर डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या एक्स के रेस्पेक्ट बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो मुझे एक्स के रेस्पेक्ट करना होगा। लेकिन इस केसेज में यहाँ पे वन बाई ए जो आएगा, वन बाई जो ए आएगा, ये क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट रूप में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस रूप में आप इसको तोड़ के लगाओगे तो लॉग जो लॉग एक्स टू द बेस ए दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, लॉग एक्स बाई लॉग ए, ठीक है। ई आपका बेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और लॉग ए टू द बेस ई, ये आपका लॉग ई के रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो लिखने का तरीका है ना, देखिए इसका लिखने का तरीका है, अगर लॉग एक्स टू द बेस ई लिखा हुआ है तो लॉग एक्स डिवाइड लॉग्स ई, लॉग्स सॉरी लॉग ई का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, वन होता है। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। इस पर मैं एक क्लास लूंगा, लॉग फंक्शन पर मैं एक क्लास लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, मेथड जो हम बात करते हैं किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, या तो आप फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, या तो फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें तीन फंक्शन है, एक दो तीन है, तो आप दो दो को दो को एक मानिए और एक को सिंगल मानिए, या फिर दो इसको एक मानिए फिर आया तो एक इसको सिंगल मानिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव अब प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, दो में निकालेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन पर हमने क्वेश्चन नहीं लगाया है। लेकिन आप क्या करेंगे कि जब इस टाइप के तीन टाइप के क्वेश्चन हो, या चार टाइप का क्वेश्चन हो, या पांच टाइप का क्वेश्चन हो, आपको ज़्यादा लंबा नहीं देगा, दो से तीन, तीन से चार देगा, इससे ज़्यादा लंबा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर चार फंक्शन बाय द वे एक और होता है तो आप दो दो को एक एक मान लेते ना, दो को एक और दो को एक मान लेते, ये फर्स्ट और सेकेंड दो दो फंक्शन मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे इसी केसेस में क्या था, इसको आप एक मानेंगे और दूसरे को आप दूसरा मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, इसके अंदर जो फर्स्ट मानेंगे उसके अंदर भी दो फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फॉर्मेट से हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट होगा, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट होगा, यहाँ पर नहीं है एक्स, तो इसकी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा उसके रेस्पेक्ट बात करेंगे। यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे क्या ले रहा है, एक्स बोला, तो एक्स के रेस्पेक्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं था इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर जेड दिया होता और एक्स के रेस्पेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे जेड भी उसके लिए कॉन्स्टेंट ही होता, क्योंकि यहाँ पे एक्स y अगर बोलता तो y के लिए एक बार जाता, लेकिन यहाँ पर z जो है z के लिए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सेवन नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, साइन x इंटू लॉग x टू द बेस a दिया हुआ है। तो इस केसेज में क्या तोड़ेंगे, देखिए साइन x बटे लॉग a तोड़ेंगे, जैसा यहाँ पे तोड़ा, लॉग a जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, डिवाइड में आएगा, लॉग a को आप बाहर करेंगे, मतलब डिवाइड वन बाई लॉग a जो होगा बाहर आएगा, और फर्स्ट इंटू लॉग x टू द बेस e का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको मत कीजिएगा कि लॉग x बाई लॉग x टू द बेस a, अगर आप वन बाई x और a भी तो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a जो है आपका टूटेगा, यहाँ से ये क्या होगा, टूटेगा, तो ये आप लिख सकते हैं log x बाई log a, अगर इस रूप में आप निकालेंगे तो ही आएगा ना, तो ये क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, log x का आप log x टू द बेस a को आप 1 बाई एक्स लिखेंगे तो डायरेक्ट वो गलत हो जाएगा, तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 नंबर पे, तो log a टू द बेस e, log a टू द बेस e, दोनों देखिए कॉन्स्टेंट है, a a है ना, यहाँ पे तो कोई x तो दिख नहीं रहा, दूर दूर तक तो मेरे को तो x नहीं दिख रहा होगा, आपको शायद दिखता होगा, नहीं ना, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
मेरे को dx ऑफ y निकालना, मेरे को x के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे तो x तो दिख नहीं रहा है दूर दूर तक मेरे को, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, q भी एक तुम्हारा है, यहाँ पे x तो दूर दूर दिख नहीं रहा है, y होता तो एक बार होता, लेकिन यहाँ पे y भी नहीं है, z भी होता तो z क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि x और y है ना वहाँ पे, क्योंकि dx ऑफ y, तो y होता तो एक बार जाता, लेकिन यहाँ पे y भी नहीं है, इसलिए z भी होता तो इसलिए कांस्टेंट होता। तो इस केसेज में मैं बात करूँगा तो log p स्क्वायर जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव बराबर, देखिए ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो जब जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो जीरो, तो इसका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, e के पावर एक्स, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, हल्का सा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं हिंट दे ही देता हूँ, जब 9 हिंट में दे दिया तो इसको भी आपको हिंट दे ही देता हूँ। e के पावर log x इंटू साइन log x टू द बेस e लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसे लगाएंगे, देखिए एक तो फंक्शन आपका ये हो गया, दूसरा फंक्शन आपका ये हो गया, और तीसरा फंक्शन आपका x हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा e के पावर x, मतलब एक फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, e के पावर x के स्थान पर log x दिया हुआ है, और log x जो है एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, और इसके अंदर में x जो है एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो ये तीन फंक्शन हो जाएंगे हमारे ना, तो तीन, ठीक है, तो e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x log x निकलेगा इसका, और फिर log x का आप निकालो तो 1/x आ जाएगा, ठीक है, फिर x का निकालो तो 1 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन का क्या होगा दोस्तों, cos x हो जाएगा, तो cos x के स्थान पर log x टू द बेस e लिखा हुआ, तो ये लिखेंगे cos log x टू द बेस e, फिर अंदर में एक फंक्शन हमारा log x दिया हुआ है, log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है, तो cos x तो ऑलरेडी मिलेगा, sin x का क्या हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, और फिर log x का 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शन है, तो ये आप जो है इसको आप लगाएगा, इसको आप ईमानदारी से लगाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना देर से हम क्लास ले रहे हैं, करीबन एक घंटा से ऊपर क्लास जा रहे हैं आपके, ठीक है, लंबा लेक्चर था ये, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था ये लेक्चर, क्योंकि आप इसको जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए, यहाँ पे मैं फ्री में दूंगा उनको नॉलेज, मैं उनसे एक रुपया पैसा नहीं लूँगा यहाँ से, ठीक है, आपको आपका बस यही काम है दोस्तों कि जितने भी आपके फ्रेंड मित्र होंगे, मैं ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों जब तक ये, क्योंकि ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं तो अपने सहमत अपने जो सहपाठी दोस्त हैं उनके पास भी ये लेक्चर को भेजें ताकि वे देखें, और उनका भी आज की डेट में जो देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बीमारी है उसके कारण एजुकेशन में मेरे हिसाब से काफ़ी पढ़ाई नहीं हो पा रहे हैं, रियलिटी में बता रहा हूँ, स्कूल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए फ्री में ये क्लास में चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप जो है पूरी तरह जो है फ्री में पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यूट्यूब माध्यम से आप जो है यहाँ पर फ्री में क्लास पढ़ेंगे। ये जो संस्था है, हम यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, IIT JEE का, वहाँ पे मैं उनके लिए प्रॉपर क्वेश्चन तैयार करके रख रहा हूँ, और उनके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा। सबसे पहले ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके सहपाठी फ्रेंड्स हैं उसको यहाँ उसको भी बोलिएगा, ताकि ये जो है आप, मैं आपको अच्छे से समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ कहाँ से क्या चीज़ आया है, ताकि आपको और भी अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, आपकी थोड़ा सा मुझे सहायता की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, उनको आप ये ज़रूर लेक्चर भेजिएगा, ठीक है, ताकि उनको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्लास था, और आज 2020 दिवाली का खूब अवसर है, इसलिए मैं आपको पुनः दोबारा मैं आपको दिवाली की शुभकामना देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हैप्पी दिवाली, थैंक यू, जय हिंद। डेरिवेटिव निकाला था इसको जो है यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है, इस रूप में, तो dx फंक्शन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा e के पावर में 7x, ये जो 2 था इसको आगे आप ले आइए, तो यहाँ आएगा 2 e के पावर 7x sec स्क्वायर x के स्थान पे क्या यहाँ पे है 2x ऑफ प्लस 5 दिया हुआ है, क्या दिया है 2x ऑफ प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 10 2x और प्लस 5 इंटू ई के पावर में 7x। देखिए e के पावर 7x को आप कॉमन ले सकते हैं,
आप चाहे तो इसको निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। चलिए मैं काम करता हूँ, बाहर इसको कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, टू तो यहाँ आएगा e के पावर में 7x, यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी e के पावर 7x हट जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो e के पावर 7x इनटू ब्रैकेट के अंदर में होगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस 7 10x के स्थान पर 2x प्लस 5 दिया हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो कि आप घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा। हम एक ही फार्मूला पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन देते हैं हम जिसको आप घर पे इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसका अगर आंसर नहीं आता है तो आप कॉमेंट में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। आप प्रॉपर उसमें कॉमेंट में लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं उसको जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको जो है लेक्चर ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ से। आप इतना अगर लगा लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक फार्मूला पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा और कई मैं आपको क्वेश्चन जो है एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर होता चले और आपको मैथ जो है आपको इजी लगे। देखिए हमने क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको हिंट भी देता हूँ आपको लगाना कैसे है। आपको निकालना डी डी एक्स ऑफ वाई, आपको निकालना है वाई डैश निकालना है। ध्यान दीजिएगा वाई डैश निकालना मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपका, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। इस ये इतना निकालना है तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड बताया था, इस मेथड पर हमने लगवाया क्वेश्चन फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, इससे लगा लोगे आप। ठीक है, ए के पावर एक्स का पता आपका डिफरेंशिएट क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। लॉग एक्स का आपको पता है तो एक्स स्थान पर एक्स प्लस टू है तो 1/x+2 हो जाएगा। एक फंक्शन और ध्यान दीजिएगा, आप फंक्शन पहले चेक कीजिएगा, पहले फंक्शन तो एक ये होगा फिर उसके ऊपर एक्स भी फंक्शन है। दो फंक्शन यहाँ मिल रहा, एक फंक्शन ये मिल रहा, एक फंक्शन ये मिल रहा, दो फंक्शन मिल रहा है। पहले फंक्शन को पकड़िएगा कितना फंक्शन वहाँ पे दे रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर में देखिए e के पावर x ऑलरेडी एक फंक्शन है और x जो ऊपर बैठा हुआ है वही ए भी एक फंक्शन है, तो डी डी एक्स ऑफ x का फंक्शन जो डिफरेंशिएट निकाले उसका कितना होगा, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में log x एक फंक्शन है और ये जो x बचेगा ये भी एक फंक्शन हमारा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, इस मेथड से निकालेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, अलग निकलेगा प्लस होगा। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एक हो जाएगा। सेकेंड के केस में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इससे लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन लिखा हूँ ताकि आप भ्रम करें और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ लेकिन मेरे को हिंट नहीं देना चाहिए था, आपको खुद से लगाना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको हिंट ना देकर मैं क्वेश्चन दूंगा और डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा log x ना, तो इसको जो है log फंक्शन मैं एक बार और बता दूंगा log फंक्शन होता क्या है। देखिए log x e टू द बेस, यहाँ पे log a e टू द बेस, ये देखा ध्यान दीजिएगा इस रूप में ये टूटेगा, ये जो डिवाइड में होगा, देखिए जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा उसी के रेस्पेक्ट मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है या फिर डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या एक्स के रेस्पेक्ट बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो मुझे एक्स के रेस्पेक्ट करना होगा। लेकिन इस केसेज में यहाँ पे 1/a जो आएगा, 1/ जो a आएगा, ये क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट रूप में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस रूप में आप इसको तोड़ के लगाओगे तो लॉग जो लॉग एक्स टू द बेस ए दिया हुआ है तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, लॉग एक्स बाई लॉग ए। ठीक है, ई आपका बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और लॉग ए टू द बेस ई ये आपका लॉग ए के रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो लिखने का तरीका है ना, देखिए इसका लिखने का तरीका है, अगर लॉग एक्स टू द बेस ई लिखा हुआ है तो लॉग एक्स डिवाइड लॉग्स ई, लॉग्स सॉरी लॉग ई का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। इस पर मैं एक क्लास लूंगा, लॉग फंक्शन पर मैं एक क्लास लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, मेथड जो हम बात करते हैं किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए या तो आप
फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, या तो फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें तीन फंक्शन है, एक दो तीन है, तो आप दो दो को दो को एक मानिए और एक को सिंगल मानिए, या फिर दो इसको एक मानिए फिर आया तो एक इसको सिंगल मानिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव अब प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, दो में निकालेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन पर हमने क्वेश्चन नहीं लगाया है। लेकिन आप क्या करेंगे कि जब इस टाइप के तीन टाइप के क्वेश्चन हो, या चार टाइप का क्वेश्चन हो, या पांच टाइप का क्वेश्चन हो, आपको ज़्यादा लंबा नहीं देगा, दो से तीन, तीन से चार देगा, इससे ज़्यादा लंबा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर चार फंक्शन बाय द वे एक और होता है तो आप दो दो को एक एक मान लेते ना, दो को एक और दो को एक मान लेते, ये फर्स्ट और सेकेंड दो दो फंक्शन मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे इसी केसेस में क्या था, इसको आप एक मानेंगे और दूसरे को आप दूसरा मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव, इसके अंदर जो फर्स्ट मानेंगे उसके अंदर भी दो फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फॉर्मेट से हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट होगा, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट होगा, यहाँ पर नहीं है एक्स, तो इसकी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा उसके रेस्पेक्ट बात करेंगे। यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे क्या ले रहा है, एक्स बोला, तो एक्स के रेस्पेक्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं था इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरीवेटिव नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर जेड दिया होता और एक्स के रेस्पेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे जेड भी उसके लिए कॉन्स्टेंट ही होता, क्योंकि यहाँ पे एक्स y अगर बोलता तो y के लिए एक बार जाता, लेकिन यहाँ पर z जो है z के लिए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सेवन नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, साइन x इंटू लॉग x टू द बेस a दिया हुआ है। तो इस केसेज में क्या तोड़ेंगे, देखिए साइन x बटे लॉग a तोड़ेंगे, जैसा यहाँ पर तोड़ा, लॉग a जो होगा आपका कॉन्स्टेंट होगा, डिवाइड में आएगा, लॉग a को आप बाहर करेंगे, मतलब डिवाइड वन बाई लॉग a जो होगा बाहर आएगा, और फर्स्ट इंटू लॉग x टू द बेस e का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको मत कीजिएगा कि लॉग x बाई लॉग x टू द बेस a, अगर आप वन बाई x और a भी तो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a जो है आपका टूटेगा, यहाँ से ये क्या होगा, टूटेगा, तो ये आप लिख सकते हैं log x बाई log a, अगर इस रूप में आप निकालेंगे तो ही आएगा ना, तो ये क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, log x को आप log x टू द बेस a को आप 1 बाई एक्स लिखेंगे तो डायरेक्ट वो गलत हो जाएगा, तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं एट नंबर पे, तो log a टू द बेस e, log a टू द बेस e, दोनों देखिए कॉन्स्टेंट है, a a है ना, यहाँ पर तो कोई x तो दिख नहीं रहा, दूर दूर तक तो मेरे को तो x नहीं दिख रहा होगा, आपको शायद दिखता होगा, नहीं ना, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे को डी 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 एक्स ऑफ वाई निकालना, मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर तो एक्स तो दिख नहीं रहा दूर दूर तक मेरे को, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू तो क्यू भी है तुम्हारा, यहाँ पे एक्स को दूर दूर दिख नहीं रहा है, वाई होता तो एक बार होता, लेकिन यहाँ पे वाई भी नहीं है, जेड भी होता तो जेड क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई है ना वहाँ पे, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई होता तो एक बार जाता, लेकिन यहाँ पे वाई भी नहीं है, इसलिए जेड भी होता तो इसलिए कांस्टेंट होता। तो इस केसेज में मैं बात करूँगा, तो लॉग पी स्क्वायर जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरीवेटिव बराबर, देखिए ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो जब जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो जीरो, तो इसका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन ध्यान दीजिएगा, ई के पावर एक्स, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, हल्का सा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं हिंट दे ही देता हूँ, जब नौ हिंट में दे दिया तो इसको भी आपको हिंट दे ही देता हूँ। ई के पावर लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स टू द बेस ई लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरीवेटिव, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसे लगाएंगे, देखिए एक तो फंक्शन आपका ये हो गया, दूसरा फंक्शन आपका ये हो गया, और तीसरा फंक्शन आपका एक्स हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा ई के पावर एक्स, मतलब एक फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ई के पावर एक्स के स्थान पर लॉग एक्स दिया हुआ है, और लॉग एक्स जो है एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, और इसके अंदर में एक्स जो है एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो ये तीन फंक्शन हो जाएंगे हमारे ना, तो तीन, ठीक है। तो
ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स लॉग एक्स निकलेगा इसका, और फिर लॉग एक्स का आप निकालो तो वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर एक्स का निकालो तो वन आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन का क्या होगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स के स्थान पर लॉग एक्स टू द बेस ई लिखा हुआ, तो ये लिखेंगे कॉस लॉग एक्स टू द बेस ई, फिर अंदर में एक फंक्शन हमारा लॉग एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स का करेंगे तो वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो कॉस एक्स तो ऑलरेडी मिलेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शन है। तो ये आप जो है इसको आप लगाएगा, इसको आप ईमानदारी से लगाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना देर से हम क्लास ले रहे हैं, करीबन एक घंटा से ऊपर क्लास जा रहे हैं आपके, ठीक है, लंबा लेक्चर था ये, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था ये लेक्चर, क्योंकि आप इसको जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं एलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए, यहाँ पे मैं फ्री में दूंगा उनको नॉलेज, मैं उनसे एक रुपया पैसा नहीं लूँगा यहाँ से, ठीक है। आपको आपका बस यही काम है दोस्तों कि जितने भी आपके फ्रेंड मित्र होंगे, मैं ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों जब तक ये, क्योंकि ये जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो अपने सहमत अपने जो सहपाठी दोस्त हैं उनके पास भी ये लेक्चर को भेजें ताकि वे देखें, और उनका भी आज की डेट में जो देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बीमारी है उसके कारण एजुकेशन में मेरे हिसाब से काफ़ी पढ़ाई नहीं हो पा रहे हैं, रियलिटी में बता रहा हूँ, स्कूल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए फ्री में ये क्लास में चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप जो है पूरी तरह जो है फ्री में पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यूट्यूब माध्यम से आप जो है यहाँ पर फ्री में क्लास पढ़ेंगे। ये जो संस्था है, हम यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी जेई का, वहाँ पे मैं उनके लिए प्रॉपर क्वेश्चन तैयार करके रख रहा हूँ, और उनके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा। सबसे पहले ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके सहपाठी फ्रेंड्स हैं उसको यहाँ उसको भी बोलिएगा, ताकि ये जो है आप, मैं आपको अच्छे से समझाने के प्रयास कर रहा हूँ और एक एक चीज़ में बताते चल रहा हूँ कहाँ से क्या चीज़ आया है, ताकि आपको और भी अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर, उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज दिवाली का अवसर है 2020, आज जिस तरह हाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भविष्य उज्ज्वल हो, और जितनी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि उनको अच्छे से एजुकेशन मिल पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। मैं उनके लिए फ्री क्लासेस चला रहा हूँ, इनके लिए मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। और दोस्तों आपका ये दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ, ताकि आपके जीवन शुभ अवसर से भरा रहे, आपका जो है एजुकेशन अच्छा हो, आप अच्छे चीज पर जाके आप जो है अपना देश, अपना इंडिया का नाम रोशन करें, ठीक है, आप एक उज्ज्वल एक भविष्य है इंडिया का, आप अपने भविष्य को अच्छे से सुधारें, ठीक है, अपने आपका जो भविष्य अगर अच्छा होगा तो आप जो है आप लाइफ में जो है अच्छा बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ से मेरे चैनल से यूनिक टारगेट क्लासेस से आप जो है ये फ्री सुविधा आप मैं दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको प्रॉपर एक एक चीज़ मैं यहाँ से बताते चलूँगा, और मैं पूरी बुक को क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, एक एक चीज़ मैं जो है एनसीईआरटी उठाऊँगा, थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ बताने के बाद मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ से मैं सॉल्व कराता चलूँगा। और इससे पहले मैं एक क्लास मेरे को लेना था लिमिट वैल्यू के लिए, तो लिमिट का मैं क्वेश्चन ना लगा करके मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट पाया हूँ, क्योंकि लिमिट में कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि मैं वहाँ पे एक फार्मूला लगता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन को मैं वहाँ पर जब पुट करूँगा तो आपको जो है नहीं समझ आता, इसलिए मैं डिफरेंशिएट को लेना पॉसिबल समझा, ठीक है। तो वहाँ पे जो वहाँ पे डिफरेंशिएट का फार्मूला लगता है एल हॉस्पिटल रूल में, तो इसलिए मैं वहाँ पे लिमिट को ना लेकर मैं पहले डिफरेंशिएट लिया, जब हो जाएगा तो फिर मैं लिमिट में चलूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वहां पे कैसे मान निकालते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो ट्वेल्थ क्लास या फिर एलेवंथ क्लास के जो इंटर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीएचसी, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, उनके लिए यहां पे, क्योंकि इंडिया में एक प्रॉपर आपको हेल्प के लिए बहुत अच्छा बुक बनाया गया है एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है। आप इंडिया के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक ही सिलेबस पढ़ना होगा और आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपका सेम सिलेबस है, आप चाहे कहीं का भी अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको जो है यहाँ से काफ़ी आपको हेल्पफुल मिल सकता है। मैं एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है,
और जितने हैं दोस्त हैं इनको मैं यही कहूँगा कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्रॉपर जो है इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप प्रॉपर आते रहें, ठीक है। मेरे लव्स पे एक पॉइंट आ रहा था, मैं बोलता हूँ, आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको जब पढ़ेंगे जब सुनेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें मैं देखा था कि एक लिखा हुआ चीज़ है मेरा कि है मुश्किल फिर भी मैं करना चाहता हूँ, है मुश्किल फिर भी मैं करना चाहता हूँ, कली में रंग भरना चाहता हूँ, कली में रंग भरना चाहता हूँ, मेरे रास्ते को रोको रकीबो, मेरे रास्तों को रुको रकीबो, मैं खुद में गुजरना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि थोड़ा सा देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग, हमको पता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि मान लीजिए आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो आपके स्थान पर कोई और बंदा पढ़ाई कर रहा होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना, तो आपको पढ़ के ही एग्ज़ाम देना है, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि इस बार क्या है कि गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट कर देगा, बिना पढ़े लिखे आप नहीं भी पढ़ते तो हमारे हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई करवाया नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से वो पास तो कर देगा, ठीक है, वो पास तो कर देंगे। बहरहाल जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आप वहाँ पर छट जाएंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिंदगी में चैन से सोना चाहते हो तो अभी उठ जाओ, वरना पछताओगे आप, ठीक है। तो आप अभी से जाग जाओ, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट अगर नहीं की हो तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, और मेरे चैनल पर आप आ जाओ, ठीक है, आप मेरे चैनल पर आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बोले तो आपको जो है यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे समझाता चलूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ में आपका हेल्थ, एजुकेशन और माइंड डेवलप जितनी भी हो सके मेरे से, मैं आपको सही से गाइडेंस करूँगा, ठीक है। और कुछ समय मतलब एक हफ्ता बाद जो है यहाँ पे रेलवे, एसएससी, बैंक, तमाम जितने भी वैकेंसी उसकी भी मैं यहाँ पे क्लास यूट्यूब के माध्यम से लूँगा, और यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो अब दिवाली का अवसर था, तो दिवाली में सभी स्टूडेंट्स बिजी थे यहाँ पे, तो मैं ही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेलवे, एसएससी, बैंक का, पुलिस का, आर्मी का, तमाम जितनी वैकेंसी अभी निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए एनटीपीसी और एनसीएल अभी बहुत सारे वैकेंसी आई है, एसआई का भी आया है, 9400 वैकेंसी अभी आई है, ठीक है। एसआई का जितने भी पुलिस सैनिक में जाना चाहते हैं तो जो है आके पढ़ाई स्टार्ट कर दें, पढ़ाई खुद से करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। लेकिन फिर भी कोचिंग स्टूडेंट्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको जो है एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी रास्ता भटक चुका है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, एक कोचिंग के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अगर आपका पढ़ाई अगर स्ट्रांग है, अगर अच्छा है, लगता है कि आपका निकल जाएगा, तो आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग वही लोग जाते हैं जिनकी रास्ता भटक जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप रास्ता से भटक गए हैं, ठीक है, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप कोचिंग में जाए, चाहे कहीं भी कोचिंग हो, आप वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाने के मौका नहीं मिलेगा, आपको तो बहुत सारे वैकेंसी निकलेंगे, जब आप तैयारी नहीं करोगे आप तो कहाँ से वैकेंसी में जा पाओगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से बढ़िए, ठीक है, और जो अपने देश, अपने इंडिया का जो है नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।